ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। जो गुनाह हमने कभी किए ही नहीं, उनकी सजा हमें क्यों मिल रही है? हे भगवान, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये किस कर्मों की सजा दे रहा तू हमें? कुंती माता, तुम तो इतिहास की कुंती माता हो, तुम्हारे तो पुत्र भी 6 होंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक करण एक अर्जुन। वैसे मैं आपसे बात करने ही वाला था, क्योंकि आप लोगों के चेहरे मुझे मासूम लगते हैं। आप और आपका बेटा ये गुनाह कर ही नहीं सकते। हम यहाँ पर लोगों के चेहरे ही पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमने गुनाह किया है, जब भी तो हम यहाँ बंद हैं। अगर हम बेगुनाह होते तो अपने घर होते। इस लोकअप में आधे से ज़्यादा लोग बेगुनाह ही आते हैं। जुर्म कोई करता है और भुगतता कोई है। मुझे लगता है तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुम्हारी पत्नी शायद खुद मरी हो, जांच हम कर ही रहे हैं। गुनाह सिर्फ इतना है, मैंने मेरे बेटे की शादी कर दी और हमारे घर में ऐसी बहू आई, उसने हमारी जिंदगी नरक बना दी। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे की शादी ही ना करती। अरे मैंने अपने बेटे की शादी का पता नहीं क्या क्या सपना देखा था। हे बहू, तू झाड़ू लगाने रहन दे। अरे तू नई नवेली दुल्हन आई है, काम करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। हाँ, नई नवेली रहेगी हमेशा, ऐसी तो ना भाभी गैल करा, वतन इतनी चढ़ा दी, देखा उसका अंजाम, आज हमारी सबकी माँ बनी बैठी है वह। बेटा तू तो पागल ही रहोगा। हाँ, जो सही बात कह दे वो पागल। भैया आप भी भाभी को अभी से ही परेशान करने लगे। मैं हूँ तो काम करने के लिए, भाभी की तो पूरी जिंदगी इसी घर में काम करना है। अच्छा, तू तो ऐसा कह रही है अपनी भाभी दोहरा ही रहेगी, कुछ दिन बाद तेरा ब्याह हो जाओगा, छोड़ कर चली जाओगी, फिर याद भी ना करने की है। पापा देख लो भैया को, अब मैंने इतनी बुरी लग रही हूँ? ए लाली, ठीक ही तो कह रहा तेरा भैया, एक ना एक दिन तो ब्याह करवाएगा, तुझे दूसरे घर जाना ही है, और फिर वहाँ जाएगा तू उसी घर की हो जाएगी। पापा आप भी भैया जैसे हो गए। तुम दोनों बाप बेटे मेरी छोर तो बिल्कुल भी लाड ना करते। हाँ, मुझे तो मेरी माई लाड करे, और कोई ना करता मुझे घर में। बेटी तू एक काम करिए, अपनी माँ को अपनी ससुराल गैल ही ले दीजिए। हाँ ले जाऊंगी। अर्जुन बेटा, नौकरी तो ठीक चल रही तेरी? हाँ पिताजी, ठीक चल रही नौकरी। माँ नमस्ते, पिताजी नमस्ते, भैया जी नमस्ते। नमस्ते, आ गई तू? आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? नहीं भैया, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा ठीक है, बैग रख दे, हाथ मुंह धो के खाना खा ले, एक तो तन भूख लग रही होगी ना। ठीक है माँ। बेटा डहर में खाते भी बिक रहेगा। ठीक है पिताजी, मैं करिए। इस चोरा का हमने के बिगाड़ दिया, मार खाने देखा भी ना। आज तुम कहाँ रुके थे? दोपहर हो गई। वैसे तो तुम रोज रात नाइट की ड्यूटी करके आ जाते थे दिन में। क्या करता, दिन वाला बंदा नहीं आया, कंपनी में इतना ज्यादा काम है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ बिलिंग करके। अब रात की ड्यूटी मत जाना, आराम करना वरना बीमार हो जाओगे। चलो देखता हूँ। भाभी अपने कमरे में नहीं है, फिर कहाँ गई? हो सकता है ऊपर चली गई हो भाभी के पास, जाके देखती हूँ। भाभी, भाभी, तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी मैं तो बाथरूम करने के लिए उठी थी, सोचा कि आपको एक बार जाके देख लूं, आप जाग रही हो या सो रही हो। आपके रूम में जाके देखा तो आप वहाँ पे थी नहीं, इसलिए आपको ढूंढने चली आई। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी?
वैसे भाभी आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रही थी? कुछ नहीं, वो तुम्हारे भाई फ्री थे थोड़े से ड्यूटी पे, तो मैंने ऐसे ही फोन कर लिया था बस। अच्छा ठीक है, चलो आप सोते हैं। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी, आ जाना। बाबू आज तो बाल बाल बच गई, नहीं तो पकड़ी जाती। अरे बस तू इनका नहीं पागल बनाती रहे। अर्जुन तो रात की ड्यूटी कर रहा है, इन्हें क्या पता तू कहाँ बात कर रही। आज इसने अगर हमारी बात सुन ली होती ना, तो सारा पता निकाल लेती है। मैं कल मौका देख के तुझसे मिलने आऊंगा। ठीक है, पर ध्यान से आना। हाँ तू बेफिक्र रह, मैं ध्यान से ही अम्मा। अब तू एक काम कर, तू सो जा। ठीक है, बाय, गुड नाइट। हेलो। हेलो कीर्ति, मैं बस 5 मिनट में थारे गेट के सामने पहुंच रहा हूँ। मैं वहां कर होरन मजम्मा, तू समझ जाइए कि मैं हूँ, जल्दी बाहर आ जाइए। ठीक है। बेटा झाड़ू लगा रही है? जी माँ जी। अच्छा एक काम कर, तेरे पापा ही खाट के पास झाड़ू लगा दे, अभी वो टहलने जा रहे हैं। वो आएंगे तब तक तू झाड़ू लगा ले, उनके धूल मिट्टी से एलर्जी है। ठीक है माँ जी। आज इसे ऐसा के मिल गया, बड़ी खुश लगा है। चलो जो भी है, बहू बेटियां घर में हंसती खेलती अच्छी लगा है। मेरी जान कहाँ रह गया तू? आ जल्दी बैठ, वहाँ चल रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, कोई देख लेगा, चुपचाप चले जाओ। अरे मोबाइल में घुमा कर रहा, बैठ जल्दी। जाओ भी, जाओ। भाभी बाहर कौन था ये? कोई भी तो नहीं था। अभी जो आपके पास से गया है, या तो मेरे जीवन में ग्रहण बन के बैठ गई, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। भाभी क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई? किस सोच में ना पड़ी, तू बता, तू हर वक्त मेरी पहरेदारी में ही लगी रहे। भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं नहा रही थी तो मैंने सुना कि आप किसी से बात कर रही थी। जब मैं बाहर निकल के आई तो वो आपके पास से बाइक लेके जा रहा था, और आप तो यहाँ किसी को गाँव में जानती भी ना हो, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। वो तो अर्जुन के बारे में पूछ रहा था। चलो ठीक है। पता नहीं मेरे कुछ पूछते ही भाभी घबरा सी जावे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। मारे तो कर्म फोड़ के चले गए थारे भैया। ऐसी बहू मारी छाती पे धर दी, ना काम जानती ना कुछ जानती, ना कोई संस्कार उसमें। दहेज के चक्कर में ना पड़ते तो किसी गरीब घर की लड़की ले आते, तुम्हारा घर बस जाता। तुम सही कह रही हो भाभी, भैया ना दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर ली। देखी चाहिए इसके साथ में मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मुझे तो डर है कोई अनहोनी ना हो जा। ठीक कह रही हो भाभी, भैया ना दहेज के लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि पूरे कुनबे की दुर्गति होगी। बेटा ड्यूटी जा रहा है तो? हाँ पिताजी, चल दिया। पूरा रात तो इतना लेट आया था, तू अब फिर चल दिया। क्या करें पिताजी, यह प्राइवेट नौकरी ऐसी है, अगर काम ना करेंगे तो कौन दे रहा तनख्वाह। कीर्ति, अरे रोटी बना दियो तो टिफिन पैक कर दे मेरा, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। मन्ने तुम्हें कितनी बार बता दी मेरी तबीयत खराब है, शीतल बना देगी। शीतल कॉलेज जा रही है, फिर वहां भी लेट हो जाओगी। छुट्टी कर लेगी, एक दिन में कहीं ना वो अफसर बन जाएगी।
या बने अफसर है ना बने, तू मारे ऊपर अफसर जरूर बन रही है। बेटा ये सारी रात फोन पे लगी रहो है, बेरो ने इस फोन में के देखा है, किससे बात करे है, और जब तेरा ड्यूटी तान का टाइम होवे ना, जब यह फोन न छोड़ के सो जा, इन बड़ी नींद आवे। इसका फोन फोड़ना पड़ेगा मुझे। इस बुढ़िया के चैन नहीं आने का जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी, या मुझे खाक के मानेगी। फालतू तो बोलना मत ना, ऊंची आवाज में बात करनी जरूरत ना मेरी माता है। ऊंची आवाज तो मैं तुम्हें अपनी एक मिनट में दिखा दूंगी, जब मेरा बाप आवेगा। अभी करूं अपने बाप को फोन? हाँ ठीक कह रही तू, अपने बाप को फोन कर, वो भी तो आकर देखे उसकी छोरी कितना काम करे। बेटा तुम क्यों घर में कलेश करो हो, छोड़ ना, रोटी मैं बना दूंगी। माँ तू क्यों दुखी हो, मैं बाहर गई कुछ खा लूंगा, परेशान मत। इसमें परेशान की बात है बेटा? माँ फिर हम लेट भी तो हो जाएंगे। देख तू तो रहने दे बुढ़िया, तुझे बना के खिलानी होती ना पहले ही खिला देती, कम से कम यू बवाल तो ना होता, पर तू तो इस शाम की बाट में थी। ए बेटी क्यों बात का बवंडर बनावे, ऐसी तो छोटी मोटी बात घर में हो ही जावे, इसमें बाप भैया को बुलाने कौन सी बात है। बेटा मैं समझाऊंगा अर्जुन को, उतर कुछ भी ना कहने का। उसने जहर नहीं खाया आपको डराने के मारे, कुछ ऐसी दवाई खा ली जैसे आप उसे कुछ नहीं कह पाओ इसीलिए। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है उसके कुछ नहीं हुआ, यदि उसके कुछ हो जाता तो उसका बाप हमें माँ बेटों को तो जेल ही भिजवा देता। आप सही कह रहे हो, आजकल ये चल रहा है छोटी छोटी बातें में जहर खा लेते हैं, आजकल की कुछ बहुएँ ऐसी कर लेती हैं ताकि आगे से आप उसे कुछ कह ना सको। जो औरतें ऐसी होती हैं ना घर का नाश ही कर देती हैं। काया कीर्ति, ए सुनिया नहीं क्या, मैं तेरे से पूछ रहा कीर्ति कहाँ है। आ जाओ चौधरी साहब, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, पहले तसल्ली से बैठो जब बात करेंगे। हम यहाँ बैठने ना आए, अपनी बहन को ले जाना आए। बेटा तू यू क्या कह रहा, अब तो कीर्ति का घर यू ही है, यहीं रहेगी। शर्म है थोड़ी बहुत, कीर्ति का घर छोड़ रखा तुमने, यू घर होता उसका जहर खत्ती भाया आज कर रहे। अजी चौधरी साहब तुम यूँ कैसी बात कर रहे हो। हाँ हम कैसी बात कर रहे हैं, बना रखी होगी ना सर उन्हें प्लान, मार क्या करेंगे पता उनके गुरु। यू के कह रहे हो तुम, हम ठीक कह रहे, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने हमें बताई भी ना, वो तो बलाओ लाजो बहन का जो हमें सारी बता दी। अच्छा यू सारा बीज उसका बोया हुआ। अजी तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो फैसला लेना ले लियो, तसल्ली दे बैठो, चाय पानी पियो। बेटा शीतल पानी ले अपने मौसा को। तेरा पानी पीना रे, हम अपनी छोरी को लेना रे, उसे बता कहाँ है और बात बता रहा है। हमने पीने पानी वानी ले जाए सर। ले जा बतेरा पी लिया हमने पानी। कोई बात ना बेटी, जा इनके लिए चाय बना। बात तू नल जावे, जोन सी बात है वह बता, कीर्ति बता कहाँ है। कीर्ति घर में ही है, तसल्ली दो। कीर्ति बेटा। पिताजी कीर्ति बेटा तू इतने गैर मान गई थी हमें, इतना बड़ा काम कर दिया हमें बताया नहीं थे। और मैं क्या करती पिताजी, मुझे इन्होंने इतना दुखी कर रखा था। बहन एक बार बताती तो सही हमें।
कीर्ति बेटा चुप हो जा, इतनी बड़ी घटना होगी पर ते भी नहीं बताया मैं कुछ, ना इन्होंने कुछ बताया। वो तो शुक्र है उस छोरी का लज्जो को उन्हें बता दी सारी बात। इसमें इतनी बड़ी बात तो थी ना, उसने नशे की गोली खाके हमारा ड्रामा काट डाल, रोटी बनाने की तो कह दी इसने। बड़ी बात नहीं, अगर मेरी भांड को कुछ हो जाता ना पूरी जिंदगी जेल की चक्की बिछवा देता। मेरे ऊपर दोष मत दिखावे, ब्याह के बाद कैसा रह छोरी से अपने घर में सिखाते। ठीक है सुन ली तेरी, जी मेरी छोरी पर रहना नहीं आता ना, हम ले ही जा रहे अपने। हाँ साथ ले जाओ इसे, कल को इसने कोई दोबारा ऐसी घटना कर दी तो उसका अंजाम कौन भुगतेगा, हमारा पूरा परिवार। अर्जुन तू चुप खड़ा रह, बड़े इनको बात करने दे। चौधरी साहब इसकी ओर से मैं माफी चाहूंगा, और यू कीर्ति का घर है, कीर्ति यहीं रहेगी, कहां जाएगी कीर्ति? अच्छा तू घर बता रहा, इसकी सुनी क्या कह रहा? अजी चौधरी साहब इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, कीर्ति को यहीं रहने दो, जो तमी ऐसी बात करोगे तो इनका घर कैसे बसेगा। ये हाथ जोड़ने के ड्रामे तो दो छोड़, हम अपनी शर्म की मारी छोड़ के जा रहे छोरी को, और आगे तो ऐसी हरकत होगी ना तो फिर मारे तो बुरा कोई नहीं। ठीक है चौधरी साहब हम ध्यान रखें। पिताजी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कीर्ति बेटा तू मेरे कहे थे मान जा, और आगे तो ऐसी बात कर दी ना कोई, तू बस एक बार फोन कर दिए फोन, बिजली यहीं पड़ेगी। और हाँ बहन अपना आपको नुकसान पता नहीं, जरूरत अभी हम जिंदा है। ठीक है भैया। कीर्ति बेटा मुंह दो रोटी खा आराम कर, हम भी चले। ठीक है पिताजी। राजवीर सिंह एक बात बता रहे हो, कान खोल के सुन लिए और इसे भी समझा लिए, आगे तो ऐसी कोई हरकत होगी ना तो बचाव कुछ नहीं तेरा। ठीक है जी हम पूरा पूरा ध्यान रखें। हाँ पूरा ही ध्यान रखियो, ध्यान रखोगे तो बचाव है ना, कोई बचाव नहीं बता रहा हूँ। अरे अर्जुन निमट गया तेरा खेत क्यार का काम? मेरा खेत क्यार का काम तो निमट गया, पर मुझे और भी तो बहुत सारे काम है, पिताजी की दवाई लानी, मुझे तो पता है लाजो भाभी करण भैया खेत तो खेत किसी भी काम को नहीं जान देती, सारे काम मुझे ही करने पड़े हैं। अरे यार काम तो करना चाहिए, काम करने से कौन सा कुछ धिस गया है, है? चल एक काम कर, अब हमें शाम को ड्यूटी निकलना, चल मेरे साथ चल। चल शीतल आज कॉलेज तो आई ना, पता नहीं क्यों लेट हो गई, और ही दिनी तो जल्दी आ जाया कर दी। तू की चिंता कर रही है, आ जाओगी उसकी बस निकट गई होगी, कदी कदी निकट जाया करे बस उसके। माँ नमस्ते, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, इतनी लेट कैसे होगी? पापा आज मैं लेट हो गई थी तो मेरी बस निकल गई थी, फिर मैं वहीं खड़ी थी, उधर से करण भैया आ रहे थे तो मैं उनके साथ बैठ के आ गई। चलो ठीक करें। तू इसके गल बैठ के क्यों आई? वैसे तो ये लोग लुगाई हमसे बात ना करें, हमें देखकर फूके ये। हाँ हम तो दुश्मन है तुम्हारे, हम तो तुम्हें देखकर राजी नहीं रहते। तू वही कुंती है ना जिसने अपना बेटा टोकरी में डाल गंगा जी में बहा दिया, ठीक उसी तरह तेने अपने से मुझे अलग कर दिया। बेटा यू बात तो तू गलत कह रहा, हमने थोड़े करा था तू अलग, तू तो अपना ब्याह हो तो हमें छोड़ कर नारा होगा था। क्यों ना होते हम तुमसे अलग, हमने क्या ठेका उठा रखा तुम्हारे सारी जिंदगी का, सेवा तो तुम्हारा छोटा बेटा करेगा जो तुम्हारे पास रहवा है। हमें तो फेंक दिया तुमने अटरिया पे सर्दी गर्मी मरने के लिए, और खुद कब्जा करे बैठी हो इस घर पे। मैं तो इसी घर को लूंगा, मैं नहीं ले रहा घेर वाली जगह को, घेर वाली जगह तुम और तुम्हारा बेटा ले लो। बेटा देख यू घर तो तुझे मिले ना, यू घर तो अर्जुन का है। क्यों होता है ये घर अर्जुन का, ये तुम्हारा बेटा ना है क्या? इसका हक नहीं है कि इस घर पे? क्या इसे बुढ़िया पीछे से लेके आई थी क्या? भाभी आप ज्यादा बोल रही हो, आपका बोलने का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। क्यों ना है मेरा मैटर, इससे बोलना तो आता ही नहीं है, इतना भी हूँ मैंने सिखाया, वरना तुम लोग सारे जने मिलके इसकी बोलती बंद कर देते थे। यू काम तो बहुत बढ़िया करा जो इसे बोलना सिखा दिया, जब भी तो हमें अनाप शनाप बकल लग गया। हमने तो हमारे बेटे को कुछ भी नहीं सिखाया, जो कुछ सिखाया इसने सिखाया है, इतना बड़ा भी इसने कराया है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं इसी घर को लूंगा। मैं भी तो बार बार तुझे यू कह रहा हूँ, यू घर तो तुझे ना मिले। रे पहली छांट छोटे की हुई ग्रह, उसका हक अधिकार है इस पे। मेरी क्यों नहीं है, मैं क्या तुम्हारी नाजायज औलाद हूँ?
तुझे दिक्कत क्या आ रही है घेर वाली जगह में रहने में? जब मैं तुझे हर बार यू कह रहा हूँ तुझे वहां मैं घर बना के दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दो बीघा खेत बेचना पड़ो। कौन सा खेत? मेरा हिस्सा अलग करो, अपने प्यारे बेटे का हिस्सा बेचो जब उसका घर बनाना। बेटा घर तो सबके हिस्से में ही बनेगा, यू घर भी तो सबके हिस्से में ही बना था। तुम लोग बहुत चालबाज बन रहे हो, हमारा हिस्सा ही बेचने फिर रहे हो। हम अपना हिस्सा नहीं बिकने देंगे, हमारा हिस्सा हमारे नाम में करो। मैं तुम्हारी चालाकी सफल नहीं होने दूंगा। भैया हमने तुम्हारे साथ कौन सी चालबाजी कर दी? पापा ने कह दिया और बिक गए खेत। तुम तो खामे खा लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। सिर्फ हिस्सा ना, घर भी चाहिए। हाँ हो जाएगा, खामे खा की लड़ाई कर रखी है। तुम अपने कमरे में जाओ, भाभी भैया को ले जाओ, खामे खा का ड्रामा बना रखा। या बहू तो हमेशा छोरे का नाम फूक मारती रहे, बेरो नहीं मारते के चावे। मां जान देना तेरे पे भी चुपना रह जाता। आ चलो ऊपर। हे भगवान, भैया आप कितने लापरवाह हो, आपने ये अंगूठी बाथरूम में ही छोड़ दी थी। मैं नहाती बार भूल गया था, फिर ठाणी ध्यान ना रही, और फिर इसमें के बात होगी, गुट्ठी तो घर में ही थी। भैया हुआ तो कुछ ना, अगर इधर उधर गिर जाती तो फिर पता है आपको ये कितनी महंगी बनती है। महंगी है तो के हो गया, तेरी नजर है के इस पे? ये कह रही तू, ये समझाने वाली बात ही तो कर रही है। लदिए ले धरती से भीतर। शीतल बहन तो इसकी बात तो बुरा मत मानने का, या तो ऐसी करो जा, ठीक है? ठीक है भैया, आप कोई टेंशन मत लो, आप आराम से ड्यूटी जाओ। ठीक। लो जी चाय ले। ठीक सोता मैं? पता ना इस घर में सारे बहरे हो गए दिखे। क्या हो गया बेटी? तुमसे कितनी बार कह रखी है इस कोढ़िया के कपड़े इसमें मत ना डाला करो। बेटी इनके कपड़े ऐसे नीचे मत डाल, आखिर ये तेरे ससुर हैं। अजी मेरा ना लगता ये कुछ भी। ठीक है बेटा, ये तेरे कुछ ना लग गए, लेके बुढ़ापा तुझे भी आओगा, तू भी बूढ़ी होगी। अरे हो जान दो मुझे बुढ़ी, आ जान दो मेरे बुढ़ापा, पर आज तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, इस मशीन में इस कोड़ी के कपड़े गिर नहीं जाए। ठीक है बेटी, इनके कपड़े तो मैं हाथ से धो दूंगी। अजी मेरे तो तू कैसे भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। खरंजे काम तो हो ही गया। हाँ सोचेंगे उसे भी। राम राम। राम राम। अरे यू क्या हुआ इसके? कुछ ना जी, इसके कंपनी में जरा सी चोट लग गई। तू जरा सी बता रहा है इसे? चोट तो बहुत लग रही है, दवाई वाई ली भैया? नहीं ली। हाँ चाचा दवाई तो ले ली। अब तू एक काम कर, घर जा और आराम कर ले, और गोली ले लिए, इतना काम भी ना करे करते, ध्यान भी दे अपना। ठीक है चाचा। बेटा ध्यान रखेगा। ठीक है ठीक है। राम राम। राम राम। इतना काम ठीक ना होता बेटा। राम राम। राम राम। तो अपने माँ बाप को देखे या अपनी बहू को देखे? प्रधान जी इसका तो चोट मुझे लगा घर के कलेश की वजह से लगी है। हाँ भैया
लल्ली तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरा अर्जुनगढ़ कैसे कैसे पढ़ा रहा तुझे? पिताजी आप चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। अर्जुन बेटा, ये चोट कैसे लग गई? कुछ ना चाची, कंपनी में से जरा सी चोट लग गई। तू इसे जरा सी चोट बता रहा है? अरे इसके सर में और हाथ में पट्टी बंधी हुई है। बेटा कैसे लगी चोट? भैया आप बोलते क्यों नहीं हो, आपको इतनी चोट कैसे लगी? कुछ ना, वहाँ कंपनी में देख रेख कर रहा था, वहाँ पैर फिसल गया, चोट लग गई। मैं बताता हूँ, तुम्हारे घर में रात दिन जो इतना झगड़ा होता है ना, ये सब उसी का नतीजा है। कंपनी में काम करते समय इसके दिमाग में लड़ाई झगड़े का मंजर घूमने लगता है, बस इसी कलेश की वजह से ये चोट खा बैठा। क्या करे अरुण बेटा, हमारे घर का कलेश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाभी, घर में इतना कलेश ना ठीक ना होता, ये रात दिन का कलेश ना घर का नाश ले बैठता है। मरा तो ना यू मेरे कलेश थे, मैं तो तब समझती जब यू मर जाता। ऐसा आदमी मरे ना करता है। भाभी कम से कम इस टाइम तो ऐसी बात मत करो, आपको दिख नहीं ना भैया कितनी चोट लगी है, आपको अब भी सबर नहीं आ रहा? आया तेरा भैया। अरे दीदी रुको तो, केटी तू ठीक है? अरे दीदी तुम्हें तो पता ही है, इनके बीच रह के कोई ठीक रह सके? कह तो तू सही रही है, और क्या मैं इनसे यूं ही न्यारी हुई थी क्या? दीदी आप तो न्यारी हो गई, मैं कैसे न्यारी हूँ? मैं तो न्यारी भी ना हो सकती। क्यों ना हो सकती? तू अलग, इस बुड्ढे को, इस बुढ़िया को, उस महारानी को अलग फेंक दे और अर्जुन को लेके अलग हो जा। अरे दीदी अर्जुन अलग तो ना होने का। मेरा ही वाला कौन सा अलग होने को तैयार था, वो तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया था। दीदी ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जो भाई साहब आपकी उंगलियों पर नाचे? बहुत राज की बात है, ऐसे खुले में नहीं बता सकती, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी दिन अकेली मिलेगी ना तब बताऊंगी। के पता ये कोई ऐसी बात बता देवे जिससे अर्जुन अलग होने को तैयार हो जा। अर्जुन तो ड्यूटी पर रहेगा, मेरी और रमेश की बात भी अच्छे से हो जाया करेगी, दोनों आपस में आराम से मिल लिया करेंगे। अब तो ये तीनों पहरेदारों की तरह मेरे ऊपर नजर गड़ाए बैठे रहे। किस सोच में पड़ गई? कुछ ना सोच रही दीदी, मैं कह रही थी मम्मी और शीतल एक दो दिन के लिए बुआ घर गई हुई है, तुम अपना काम निपटा के मेरे धोरे आ जाइयो, क्या पता आपके कारण मेरा ही भला हो जाए। मैं तो तेरी भले की सोचू, तभी तो बता दिए तेरे पापा को तेरे बारे में, अगर तू मर भी जाती ना तभी ये लोग नहीं बताते। कीर्ति बेटा एक गिलास पानी ला दे, मुझे दवाई लेनी है। इस बुड्ढे को भी चैन ना है, इसे पक्का पता चल गई होगी कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इसलिए काम बता रहा। मुझे तो पता है इनकी आदत, चल जा तू पानी दे दे और मैं सारा काम निपटा कर दोपहर में आती हूँ। ठीक है दीदी। ला बेटा मेरा दवाई का टाइम हो रहा। एक दिन दवाई ना लेगा तो कहीं ना मर रहा तू, तन्ने भी मेरा जन्म दुखी कर रखा, दुनिया के बुढ़े मरण लग रहे, तो पता ना तुझे कद मौत आएगी। बेटी मैं तो भगवान से दुआ करूं कि तेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। मेरे आगे ज्यादा खप्पर तो भरे मत ना, मैं तेरे सारे फंडे जानू, तू क्या कर सके। देख रहे हो तुम उस महारानी को, सुबह से दोपहर हो लिया, अभी तक ना किसी को चाय पानी दिया है, नहीं कुछ घर का काम किया है, बस उठते ही फोन कर लग जावे और कुछ बोले तो मरने की धमकी देवे। अरे मुझे तो रात दिन इस बात की चिंता सताओ जा, अगर हमारे छोरे की जिंदगी कैसे कटेगी इस बहू की गैल, ये छोरा तो जीतते जी मार दिया। माँ नमस्ते। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ माँ। माँ भाभी को कुछ हो गया क्या जो घर का सारा काम अभी तक ऐसे ही पड़ा है?
तेरी भाभी के बेटा कुछ ना होया, वो तो उठते ही फोन कर लग जावे, पता नहीं उसकी कौन सी बिजनेस अटक रही है, और उसको काम की बोलो तो वो मरने की धमकी दे। कोई बात ना माँ, आप बस घर में शांति बनाए रखा करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। सुबह से तो तू बेटा कॉलेज में गई हुई है, आ रही थकी आई है, आते ही तू काम में लग जाएगी क्या? कोई बात ना माँ, एक घंटे में सारा काम करके फिर आराम कर लूंगी। ठीक है बेटी, तू ना मानती तो पहले कुछ खा पी ले फिर काम कर लिए। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। भाभी जरा अपनी जूती साइड में कर लो, पोछा लगा रही हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन में काम कर रही हूँ? भाभी आप तो सुबह उठते ही फोन में लग जाओ, ऐसा आपका कौन सा बिजनेस चल रहा है? ज्यादा ना बोल रही तू, आज ही बन लेगी सारी कमेरी। मेरी सुसरी पे काम धाम तो होता ना, आई है जुबान लड़ाने। हरी बहू शर्म नहीं आती, खुद तो कुछ करे ना, मेरी छोरी करे उसे करे ना देवे, और तू इस फोन के अंदर घुसी रहवे 24 घंटा, इसा के देखा है तू? तुझे दिखना रहा के बुढ़िया, इस फोन में तेरी छोरी नाच रही है, देख कितना अच्छा नाच रही है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, अब तो ये झेलनी पड़ेगी, इसके ना किसी की भी शर्म। चुप हो जा बेटी, देखिए अर्जुन का आने का टाइम हो रहा, यहाँ खामो खा कलेश हो जाएगा, उसे मत बताइए, चुप हो जा। बहु कुछ तो थोड़ी बहुत लिहाज शर्म कर ले, तन्ना तो लिहाज शर्म बिल्कुल ही कहीं तार के रख दी। मैं क्या करूँ शर्म करके, शर्म तो तुम दोनों माँ बेटी के ही भतेरी लटक रही है, देख कितनी लटक रही है। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। क्यों रो रही है शीतल? चुप हो जा, के बात होगी माँ, या तो बताना रही के बात है। बेटे जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो ना, वो जिंदगी भर रोवे। चुप हो जा शीतल, चुप हो जा। मैं समझ गया, जरूर इस कमीने ने कुछ ना कुछ कही होगी। फालतू मत ना बोल ले, मैं तुझे कुछ कहना रही हूँ। बेटे इस बहू ने लेके तू न्यारा हो जा, इससे तो हम परेशान हो लिए, ये कभी किसी को कुछ कहवे, कभी किसी को कुछ कहवे, इसने तो हमारा जीवन दुखी कर दिया। शीतल के कही इसने? ये के बताओगी, इससे पूछ। तू ही बता देना बुढ़िया, अपने इस खसम पर मरवा दे मुझे। अच्छा बेशरम, ये मेरी माँ खसम बता रही है, मरवा दे अपने इस खसम पर मुझे, आजा मार दे मुझे, मार। बेटा छोड़ इसे, जान तो मार दूंगा मैं। हाँ मार दे, मरता भी नहीं हूँ ना पुत्ता, सत्यानाशी, मर जाए इसकी लाश आए किसी दिन घर पे। माँ मैं तो जान तो मार दूंगा, पूरे दिन शेर नहीं बनी घूमे इस घर में। शेर की बेटी हूँ मैं, तुम्हें सब खा जाऊंगी। छोड़ ना बेटा, कुछ कहने का आजकल किसी को धर्म नहीं है। मैं इसकी जिंदगी खराब कर दूंगी। चुप हो जा कलमुई, क्यों इस घर का नाश करने पतुली है? नाश तो तूने कर रखा है बुढ़िया, तू ही बुढ़ापे में नए नए खोदे खोद रही है। मन्ने भी तेरा घाघरा जेल की खूटी पर न टंगवाया ना, तो मेरा भी नाम कीर्ति नहीं, अभी बुलाऊं अपने बाप और भाई को। आप बुला ले जा, उन्हें भी देखो क्या करेंगे मेरा। इनकी लड़ाई देख के तो मुझे बहुत मजा आवे।
कभी मेरी भी होती थी ऐसी लड़ाई इनसे। ज्यादा मजा मत ना ले, मजा कभी कभी उल्टा ही पड़ जावे। अब खड़ी हो, रोटी बना ले। ए, कौन सा वो जयद्रथ जिसने मेरी चोरी पर उठाया? ये बात होगी, बात तो सुनो। बात ही बताओ। हाँ बात सुन ली हमने तेरी। ए, ए, छोड़ो मेरे बेटे को। ना भले मन तो छोड़ दो, क्यों हद कर रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बेटा को? कीर्ति झोला ले जाके अपना, चल तबली। ना छोड़ दो इसे। ए, तू थम जा, बैठे रहो। तू अपनी जगह बैठ, आए चले जाओ जाओ, तू हद कर दी तमाम। के बाद मेरी बहन के बारे में एक सपने में मैं सोचना, वरना तेरी सोच को एक सपना बना दूंगा। चला जा जा, ऐसे खोटिया नंग रिश्तेदार भगवान किसी को ना दे। चल बेटा खड़ा हो जा। महारे घर का ऐसे बिहाते तो महारा छोरा कुआरा ही बैठ गया था। आराम कर लो, तुम बीमार हो। अच्छे खोटे रिश्तेदार मिले।